डॉक्टर एन के श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में NQAS एवं कायाकल्प अवार्ड वर्ष 2019-20 का आयोजन CHO हॉल में जिला महिला चिकित्सालय रायबली में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वैभव श्रीवास्तव जिला अधिकारी रायबली द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों की सामूहिक समर्पण एवं प्रयास से जिला चिकित्सालय रायबली को राज्य स्तर पर सरकार द्वारा कायाकल्प अवार्ड एवं NQAS पुरस्कृत हेतु चयन किया गया है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की टीम भावना की प्रशंसा करते हुए आने वाले वित्तीय वर्ष में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय उक्त पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाए। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित CDO अभिषेक गोयल द्वारा चिकित्सालय को प्रतियोगियों की सराहना करते हुए आगे भविष्य में और भी अन्य उपलब्धियों को प्राप्त करने हेतु चिकित्सालय के प्रयासों का प्रोत्साहन किया। साथ ही राज्य स्तर पर चिकित्सालय का चयन किए जाने पर सभी को बधाई दी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि जनपद चिकित्सा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। वहीं डॉक्टर एन के श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सालय द्वारा अपनी समस्त जिम्मेदारियों का संपूर्ण मनोयोग से निर्वहन किए जाने एवं सफलता के नए आयामों को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयास की समर्पित रहने की आश्वासन दिया गया। साथ ही चिकित्सालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों की प्रोत्साहन करते हुए राजा राम यादव मंडी डॉक्टर सीमा निगार अलवी मंडी सलाहकार डॉक्टर बीरबर वरिष्ठ परामर्श दाता नोडल अधिकारी क्वालिटी एप्सियोर डॉक्टर रविकांत सिंह इनवील क्लब पैरों में इंसानियत अग्रवाल परिवार बिरला सीमेंट कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधियों एवं चिकित्सियों पैरामेडिकल स्टाफ एवं समस्त कर्मचारियों को चिकित्सालय में सहयोग हेतु कायाकल्प अवार्ड एवं NQAS प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी शीतलाकांत वानपम के साथ। बहुत सारी दूरी तय किया जाना बाकी है और हमारे तीन चिकित्सा के मुख्य अधिकारी होते हैं, CMO साहब होते हैं, CMS मेल और CMS फीमेल, और इनके साथ जो वरिष्ठ चिकित्सक होते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों को एक टीम के तौर पर आप सभी बताने के लिए हमेशा अपना स्वागत है और उम्मीद करता हूँ एक टीम के रूप में इसी तरीके से हमारा पूरा जो चिकित्सा विभाग है और जिस तरीके से ये बोलना भूल नहीं सकते कि जिस तरीके से कोविड की लड़ाई में आप सबने आगे बढ़कर योगदान दिया और जिसके कारण हम उसके अंतिम चरण में जीतने के चरण में हैं, तो इसी टीम भावना के साथ हम लगातार और सफलता की ऊंचाई में चढ़ तो उसके लिए जिन लोगों का योगदान रहा, जिन लोगों ने CSR फंड दिया और जो चिकित्सक और कार्मिक जिन्होंने जिनका सराहनीय कार्य रहा है उनको पुरस्कृत करने के लिए।